We'll say the English rhyme. The title of the rhyme is Hop a Little, Jump a Little. This is in your rhyme book, page number 3030. Start. Start, everyone. Hop a little, jump a little. 1, 2, 3. Run a little. Skip a little. Tap one knee. Bend a little. Stretch a little. Nod your head. Yawn a little. Sleep a little in your bed. Okay, chalo, come on. Now with energy. Start. Hop a little, jump a little. 1, 2, 3. Run a little, skip a little. Tap one knee. Then bend a little. Stretch a little. Nod your head. Yawn a little. Sleep a little in your bed. Unnati, why you are not doing Unnati? Chalo, this is the last time. Start. Hop a little, jump a little. 1, 2, 3. Run a little. Skip a little. Tap one knee. Knee matlab hota hai ghutna. Okay. Then bend a little. Stretch a little. Nod your head. Yawn a little. Sleep a little in your bed. Okay. Good. Chalo. All right, kids. Now. Okay, chalo kids. Now we'll do our Hindi work. Aaj hum Hindi mein ka se lekar kahan tak likhenge? Ma tak. ठीक है चलो गेट योर हिंदी कॉपी एंड राइट डाउन टुडेज डेट द डेट इज 5/10/2021 Done. So mothers, you can write the heading if you are not having the set copies with you. ठीक है? क से म तक लिखो. Okay. So if you are not having the set copies with you, then the mothers, you have to write the heading. And the date should be written by the kids only. They know how to write the date. So let them write. You do not help. Write down. Ka se ma tak likho. स्टार्ट करें. शैल वी स्टार्ट नाउ? चलो ओके. सो वी स्टार्ट. सो द फर्स्ट लाइन इज आई एम इरेजिंग द हेडिंग. ठीक है, अदरवाइज वी डोंट वी वोंट गेट द प्लेस फॉर राइटिंग द होल सीक्वेंसेस. सो वी स्टार्ट फ्रॉम क. क से कमल.
राइट डाउन द फॉर्मेशन शुड बी प्रॉपर, क की ये जो टेल है वो नीचे तक नहीं आती है, ठीक है। क, क से कमल, आफ्टर क ख, ख से खरगोश, एंड एवरीवन यू हैव टू रीड इट फर्स्ट एंड देन राइट इट, एंड आई एम लुकिंग एट ईच वन ऑफ यू। उन्नति, व्हाट आर यू डूइंग, सिट प्रॉपरली। इशिता, इशिता फोल्ड योर लेग्स एंड सिट। क से कमल, ख से खरगोश, देन ग से गमला, घ से घर, एंड अना। अना कैसा है? अना है खाली, बजाओ ताली, रीड एंड राइट, से इट एंड राइट। Whatever you are writing, whether it is of English, Hindi, Max, anything, first of all, you have to read it and then write it in the copy. And kindly make the proper formation. Then, after Anna, Ch se chamach. छ से छाता, ज से जग, आफ्टर ज झ से झंडा, एंड निया, निया है खाली, बजाओ ताली। द गैप शुड बी प्रॉपर बिटवीन ईच अक्षर, प्रॉपरली लिखना है, नीटली लिखना है, एंड डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द फॉर्मेशन, इट शुड बी करेक्ट। चलो नाउ द नेक्स्ट वन इज ट से टमाटर, आफ्टर ट ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, एंड आफ्टर ढ से ढक्कन ना से कुछ भी नहीं, ना तो खाली है, सो ना है खाली, बजाओ ताली। ये जो शुरू के तीन अक्षर होते लास्ट वाले हर लाइन के, दैट इज खाली। देन द नेक्स्ट लाइन, त से तरबूज, आफ्टर त थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, एंड ना से नल। कम ऑन, से इट एंड राइट, रीड इट एंड राइट। देन आफ्टर ना, से पतंग, पा का फॉर्मेशन सही लिखेगा आप लोग, डू नॉट मेक लाइक दिस, ऐसे नहीं आता है, स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व एंड देन स्लीपिंग लाइन, ठीक है। देन आफ्टर पा,
से फल, जैसे मैम ने अभी आपको क का बताया था कि क की टेल नीचे लाइन पे टच नहीं होती है, द सेम थिंग विद द अक्षर फ, फ की जो टेल है वो नीचे लाइन तक टच नहीं होगी, ठीक है। देन ब से बकरी, भ से भालू, और मा से मछली। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू राइट क से, यू हैव टू राइट फ्रॉम क टू मा, एंड टू टाइम्स लिखना है आप लोगों को कॉपी में, यू हैव टू राइट इट टू टाइम्स, रीड एंड राइट, एंड आई एम लुकिंग एट ईच वन ऑफ यू, आई नो हु आर सेइंग एंड हु इज सेइंग एंड हु इज नॉट। राइट डाउन नीटली, ऑल राइट, एंड टू टाइम्स यू हैव टू राइट स्टार्टिंग फ्रॉम क से मा तक, ठीक है। चलो Come on, pay attention, everyone, pay attention. When I ask you na any question, you should know the answer of that. Theek hai? Look, germination means planting trees. So I told you ke first step of germination is sowing a seed. Theek hai? Humne mitti ke andar seed ko sow kara, usse bo diya. Theek hai? Then What a seed needs to grow. मैम ने आपको कल बताया था सेम एज लाइक अस, जैसे हमें बड़े होने के लिए वी नीड वॉटर, फूड, एयर, एवरीथिंग, इन द सेम वे अ प्लांट ऑल्सो नीड्स वॉटर, एयर, सॉइल, सनलाइट, एवरीथिंग टू ग्रो, ठीक है। जब आपने एक सीड को मिट्टी में सो करा, एंड अगर आप उसको प्रॉपर सनलाइट दोगे, सनलाइट में रखोगे, इफ इट गेट्स प्रॉपर सनलाइट, वॉटर, ओके, एंड एयर, ऑल राइट, अगर हमने एक सीड को मिट्टी में दबाया, ठीक है, सो करा, देन इफ इट गेट्स प्रॉपर सनलाइट, वॉटर एंड एयर, तो वो सीड धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा, उसमें से जो बेबी प्लांट होता है इट स्टार्ट्स टू कम आउट ऑफ द सीड। मैंने आपको बताया था ना सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है, जब उसे प्रॉपर सनलाइट, वाटर, एयर सब मिलेगा तो धीरे धीरे वो सीड में से बाहर आने लगेगा, इट स्टार्ट्स टू कम आउट ऑफ द सीड, लुक, है ना। देन हम उसे डेली पानी देंगे, उसे सनलाइट में रखेंगे, उसे डेली हवा मिलेगी, तो वो धीरे धीरे और बड़ा होगा, जैसे हम हैं, है ना, हम लोग छोटे थे, फिर धीरे 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 हम बड़े होते जा रहे हैं, द सेम थिंग हैपन्स विद प्लांट्स ऑल्सो, ऑल राइट। तो ये धीरे धीरे, ये जो प्लांट है इसकी रूट्स आने लगेंगी और ये बड़ा होने लग जाएगा, एंड वन डे आप नोटिस करोगे कि छोटा सा प्लांट मिट्टी के बाहर आ गया है, लाइक दिस, अंडरस्टूड। इसको प्रॉपर केयर मिलेगी, जैसे हमें केयर की जरूरत होती है बड़े होने के लिए, इन द सेम वे दिवेट प्लांट्स नीड्स प्रॉपर केयर टू ग्रो। सो एट द एंड ये प्लांट्स जब बड़ा, प्लांट बड़ा होगा, इसकी रूट आ जाएगी, ठीक है, धीरे 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 ये बड़ा होता जाएगा, देन इस पे फ्रूट्स आएंगे, फ्लावर्स आएंगे, जैसे हमने पढ़ा था, ऑल राइट। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, किस तरह से एक सीड बड़ा होते होते एक प्लांट बनता है, एक ट्री बनता है, ठीक है। सो सेम एज लाइक अस, इट ऑल्सो नीड्स प्रॉपर वॉटर, सनलाइट, एयर, एंड फूड कहां से मिलता है इसे, फ्रॉम वेयर द प्लांट गेट्स फूड, फ्रॉम द सॉइल, जितने भी न्यूट्रिएंट्स सॉइल में होते हैं, रूट्स उन सबको ऑब्जर्व करती है, खींचती है और पूरे पार्ट में प्लांट्स के उसको पहुंचा देती है, ठीक है।
Anyone is having any doubt? किसी को doubt है कुछ? चलो all right, we'll revise it daily. Okay, kids, now get your phonic skill book. Now we are going to read I sound words today.